नमस्ते फ्रेंड्स, जाना झुमा किचन में आपको स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पालक साग की एक रेसिपी। पालक साग ले लिया, सब्जी ले लिया, इसके है कद्दू है, मटर है, बीन्स है, आलू, केला, सेम, हरी मिर्च, बैगन, गाजर, बड़ी। पालक साग को धो के काट के ले लिया, ऐसे छोटा छोटा करके काटना है। अभी पालक साग को उबलने के लिए दे देंगे। पालक साग ने उबलने के लिए दे दिया, कढ़ाई गर्म हो गया। अभी दे देंगे सरसों का तेल। तेल गरम हो गया, अभी सब्जी फ्राई कर लेते हैं। अभी दे देंगे आलू। आलू और गाजर हल्दी पाउडर आलू फ्राई हो गया, उठा लेते हैं। अभी दे देंगे कद्दू और केला। फ्राई हो गया, उठा लेते हैं। अभी दे देंगे बड़ी। बड़ी फ्राई हो गया, अभी उठा लेते हैं। अभी दे देंगे और थोड़ा तेल ऐड करेंगे, सरसों का तेल। एक तेज पत्ती, एक सूखी मिर्ची, कलंजी, कुटा हुआ अदरक, दो हरी मिर्च, भुना हुआ सब्जी को दे देंगे। अभी मटर, नमक, हल्दी पाउडर अभी मिक्स कर लेते हैं। अभी दे देंगे उबला हुआ पालक साग। चीनी, अभी ढक देंगे 2 मिनट के लिए। अभी दे देंगे बड़ी। पानी देने का कोई जरूरत नहीं है, सब्जी सारा उबल गया। अभी दे देंगे धनिया पत्ती।
तैयार हो गया पालक साग। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।